तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ राशन लेने। मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे अभी फोन आया दोस्त का, वो बोल रहा है कि राशन मिल रहा है। तो मैं फटाफट घर से निकला, तैयार भी नहीं हुआ ऐसे ही घर से निकल गया, क्योंकि वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ घर से, तो मिलता हूँ आपको रास्ते में अभी, और मिलता हूँ अपने हीरानगर जो मेरा डिपो है वहाँ पे। दोस्तों मेरे गांव का वही पानी जो ओवरफ्लो निकलता है। भाई मैं पहुँच गया जहाँ पे अब हमारा दोस्त जो है वहाँ से आएगा। मैं, मेरे साथ राम और अजू जी जो है वो वहाँ से गाड़ी लेके आएंगे, फिर हम जाएंगे राशन लेने। तब तक हम उसका वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आएगा फिर हम चलेंगे सीधा हीरानगर डिपो पे राशन लेने, और आपको दिखाएंगे कि कितना ज्यादा भीड़ होती है हमारे राशन पे, कितना टाइम लगता है। जी राम जी भी कुछ बोलना चाहते हैं हमारे यहाँ के डिपो के ऊपर, राशन कैसे मिलता है बताएंगे आपको, बताएंगे कितनी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हमारे यहाँ पे राशन लेने के लिए। शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन हमें पता है, हम आपको पूरा दिखाएंगे वहाँ पे जाके कि कितनी ज्यादा भीड़ होती है। कम से कम भी कितने लाइन, कितनी लाइन होती है, लाइन कम से कम 200 मीटर तो होगी। हाँ 200, कम से कम भी 500 बंदा जो है लाइन में लगा हुआ होता है, इतना ज्यादा समय लगता है। हम अभी जा रहे हैं, शायद हमें 3-4 घंटे लग जाए। चलो हम अजू जी का वेट कर रहे हैं, वो आने ही वाला है, तो जैसे ही आता है फिर हम चलेंगे हीरानगर को। जहाँ हम अजू जी का वेट कर रहे हैं और हमारी बातचीत चल रही है, ये इसका टेस्ट है। कितनी तारीख टेस्ट है? 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को इसका टेस्ट है, और ये सोच रहा है गाड़ी अपनी लेके जाए या जहाज में जाए। और ये साधन है जाने का? एक साधन और भी है, ट्रक में जाने का। ट्रक में हम देखो, हम आम आदमी के लिए ट्रक सबसे ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हमारा थोड़ा पैसा भी बच जाता है। हमारी स्ट्रगलिंग लाइफ है, स्ट्रगल जारी है, अभी भी जारी है। तो देखिए आज भी स्ट्रगल चल रहा है, अजू जी अभी तक नहीं आए, हम वेट कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद साधन हमारे पास साधन नहीं है। हमारे पास कोई साधन नहीं है भाई, हमारे पास वेट किया जा रहा है। इसके पास साइकिल था, वो भी गया। कौन ले गया? साइकिल ले गया पापा, इसका साइकिल जो है इसका डैडी ले गया है, और हम बैठे हैं अभी अजू जी का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। वो देखिए अजू जी आ चुके हैं, वो सामने गाड़ी लेके आ रहे हैं। ये देखिए हमारा यो भाई है, हमारा आ चुका है। देखिए ये चेक कर रहा है कि क्यों है गड्डी। ये देखिए कब्बा टाइम लाया, इनके पास साधन था। तो हम चलो चलते हैं। आओ गड्डी ले लिया ना, ला जी खलके घर लाइड। हां खलके घर लाइयो। हां खले लाइड Here, can you hear? Can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. और अभी हम डिपो में पहुंच गए हैं, और देखिए ये सभी पहले मास्क लगा लिया है, लगा लिया है, मास्क लगा लिया, हमारा पीछे पीछे नंबर आया, हमारा पीछे पीछे, हमारा पीछे पीछे नंबर आया, लास्ट में मैं सबसे पीछे हो जाता हूँ। तो अभी लाइन चल रही है, आधे घंटे से हम लाइन में लगे हुए हैं। पसीना पसीना हो चुका है जी, और मैं भी यार राशन मिलने का, अभी राशन जब राशन मिलता अभी उसके बाद ही आपको मिलेगा वीडियो, क्योंकि थक चुके हैं हम, थकी रहे ना। कितना टाइम लग गया? बड़ा टाइम लग गया, पसीना पसीना हो गया। और भाई साहब हमें राशन फाइनली मिल गया, बड़ी ज्यादा मेहनत लगी भाई यार। अभी हम गाड़ी को जो है टर्न कर रहे हैं और हम निकल चुके हैं। अभी मास्क को खोल लेते हैं और अभी हम जा रहे हैं घर। तो ये कितनी मेहनत लगी? बहुत मेहनत लगी यार, पसीना नीचे से ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना। बहुत ज्यादा गर्मी थी और भीड़ भी काफी थी, हमने पूरा 1.5 घंटा लाइन में लग के राशन जो ले लिया है। हम वीडियो भी नहीं बना सके बीच में क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी। और बाकी हम जा रहे हैं अभी घर। आपको कैसा लगा ब्लॉग आप कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत। नंबर शॉट हुआ तेरे पे लगाते, तुम 100 नंबर शॉट हुआ तेरे पे लगाते, हम 100 थप्पड़।
बहुत अंतर, ऑनलाइन तो बहुत खबर, बहुत रैपर, असली में बहुत एक्टर, बहुत शक्कर, चेक कर